हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड मस्ट बी स्टडिंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। हमने समझा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसको कौन बनाता है और ये किसके ऊपर लिखा जाता है। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, हमने उनको समझा। हमने समझा कि इसमें ड्यू डेट क्या होती है, ग्रेस पीरियड कितना होता है और मैच्योरिटी डेट क्या होती है। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद द ड्रॉवर, चार ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, उसमें से दो ऑप्शंस को हमने बहुत अच्छे से समझा है और हमने उनके ऊपर इलस्ट्रेशंस भी करी हैं। पहली ऑप्शन अवेलेबल होती है रिटेन द बिल विद हिमसेल्फ, मतलब कि वो बिल को अपने पास रखे टिल द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी हो जाने पर, मैच्योरिटी पीरियड पे वो अपने खुद चला जाए या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को ड्रॉई के पास भेजे और वहाँ से कैश कलेक्ट कर ले। दूसरी ऑप्शन अवेलेबल होती है टू एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर, मतलब उसको अपने किसी क्रेडिटर को पैसा देना है तो वो क्या करेगा, खुद पिक्चर से हट जाएगा और इसी बिल को एंडोर्स कर देगा अपने उस क्रेडिटर के नाम पर। अब उस क्रेडिटर की जिम्मेवारी बन जाती है कि उस ड्यू डेट पर जाए और वो ड्रॉई से पैसा लेके आ जाए। इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेशंस भी करी हैं और इनके बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम समझेंगे थर्ड ऑप्शंस अवेलेबल विद द ड्रॉवर इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंड फोर्थ इज बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। इनको हम समझते हैं पहले क्या मतलब होता है और इसके ऊपर फिर इलस्ट्रेशन भी करते हैं। तो थर्ड ऑप्शंस है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस ऑप्शन में ड्रॉवर अपने पास बिल ना रख के अपने बैंक को दे देता है। अगर उसको ये लगता है कि मैं इस बिल को सेफली रख पाऊँगा, नहीं रख पाऊँगा, या भूल ना जाऊँ, मैच्योरिटी डेट ओवर हो जाए और मैं उसको कैश कलेक्ट ना कर पाऊँ, तो ऐसे केस में वो क्या करता है, अपने बैंक को वो बिल दे देता है फॉर सेफ्टी पर्पज़, और बैंक की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करे और ड्रॉवर के बैंक में डाल दे। देखिए बैंक हमारे लिए कितना काम करते हैं, ना सिर्फ हमारे कैश की कस्टडी करते हैं, हमारी ज्वेलरी की कस्टडी करते हैं, और इस केस में देखिए हमारे डॉक्यूमेंट को संभाल भी रहे हैं और हमारी पार्टी से जाके कैश लाते हैं और हमारे अकाउंट में जमा कर देते हैं। तो इस काम के लिए बैंक कभी कभी कुछ चार्जेस लेता है, वो भी हर एक से नहीं लेगा। अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो आपसे नहीं लेगा, अगर आपके बैंक में कुछ FDs हैं तब वो आपसे नहीं लेगा, और लेता भी है तो बहुत नॉमिनल चार्जेस लेता है। इतना तो आप भी जाएंगे या किसी को भेजेंगे तो पूरा टाइम भी वेस्ट करेंगे, पूरा दिन लगाएंगे, आने जाने का किराया भी देंगे। तो चलिए इसके ऊपर अभी हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और इससे रिलेटेड बातें हम इलस्ट्रेशन के बीच में ही समझ लेंगे। मैं इलस्ट्रेशन को धीरे धीरे पढ़ता हूँ और इस वीडियो में इसका स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगा देता हूँ। इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है, अशोक ड्रॉज ऑन ब्रिजेश ए 3 months bill of exchange for ₹30,000 for goods sold to him on 1st Feb 2020 को अशोक ने एक bills of exchange draw किया है ब्रिजेश के ऊपर 30,000 का। सबसे पहले तो हम इसी की एंट्री कर लेते हैं। हमको दोनों की बुक्स में जनरल एंट्रीज दिखानी है, अशोक की बुक में भी और ब्रिजेश की बुक में भी। ये ट्रांजेक्शन हुई है 2020 February 1st, क्रेडिट सेल हुई है। हम नॉर्मल सेल परचेज की एंट्री दिखाएंगे, ब्रिजेश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ब्रिजेश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो नॉर्मल एंट्री है, इसमें आपको कुछ समझाने के लिए ज़रूरत नहीं है, ₹30,000। इसी तरह ब्रिजेश भी अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा, वो भी 2020 February 1st की डेट में एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 2 अशोक अकाउंट। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ₹30,000। नरेशंस आप लिख लेंगे, बीइंग द गुड्स sold on credit and being the goods purchased on credit।
और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ऑन 30 अप्रैल द बिल वॉज सेंड टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। 30 अप्रैल को ये बिल बैंक को भेज दिया अशोक ने फॉर कलेक्शन परपजेज। इसका मतलब ये बिल जो है एक्सेप्ट होके आ गया है, तो हमको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश अकाउंट, सेम डेट पे करनी पड़ेगी, फरवरी 1st में 30,000 रुपीज से। ये सब कॉमन एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, हर दफ़े आप इन एंट्रीज को देखोगे। इसी तरह ब्रिजेश भी एंट्री करेगा अपने यहाँ अशोक अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। ये सब ट्रांजैक्शंस को हम पहले भी कर चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। 30 अप्रैल को अशोक ने क्या किया, अपने इस बिल को बैंक के पास भेज दिया फॉर सेफ्टी पर्पस एंड फॉर कलेक्शन पर्पसेस। अप्रैल 30, अब हम यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, बैंक तो लिख नहीं सकते। अगर हमने यहाँ बैंक लिख दिया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें चेक रिसीव हुआ है, तो हम इसका नाम देते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट टू इसको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000 से। क्लियर है, क्योंकि अशोक ने इस बिल को बैंक के पास भेज दिया है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये बैंक की ड्यूटी हो जाती है कि इस बिल को मैच्योरिटी डेट पर जाके ब्रिजेश से जाके पैसा लाए और अशोक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। अब बताइए ब्रिजेश की बुक में भी कोई एंट्री होगी, ब्रिजेश को तो पता ही नहीं है इनफैक्ट, तो उसकी बुक में कुछ भी एंट्री नहीं होगी ये वाली, उनको तो मालूम ही नहीं है कि इसने ये बिल बैंक को दे दिया, बैंक मेरे पास आएगा पैसा लेने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली मेट बाय ब्रिजेश, द बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ₹200 एज कलेक्शन चार्जेस। मैच्योरिटी डेट पर ब्रिजेश ने बैंक को पैसे दे दिए और बैंक ने ₹200 एज कलेक्शन चार्जेस काट के अशोक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो इसकी ब्रिजेश अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, क्या मैच्योरिटी डेट होगी। फैब से 3 महीने लगाइए, मार्च अप्रैल मई, मई की डेट होगी, फर्स्ट मई, फर्स्ट मई में आप 3 दिन जोड़ दीजिए, मई 4th, मई 4 को बिल्स पेबल अकाउंट को वो डेबिट कर देगा टू कैश अकाउंट। उसके यहाँ तो एक सिंपल सी यही एंट्री होगी, उसने तो पैसा देना है 30,000 रुपया, उसने अपना बिल देखा, साइन किया हुआ बिल देखा और उसने पैसा दे दिया बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव को। नाउ बैंक अब 4th मई को ही अपना चार्जेस काट के ₹200 चार्जेस काट के इसको क्रेडिट कर देगा, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट आएगा क्योंकि हमें बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, तो कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट। कलेक्शन चार्जेस को क्यों हमने डेबिट किया, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है हमारा, तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, टू हम अपने बिल सेंट फॉर बैंक को हम इसको क्लोज करेंगे अपने अकाउंट को और इसको क्रेडिट कर देंगे, बिल सेंट फॉर अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितने कितने रुपए से है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कितने का था, 30,000 रुपीज़ का था। बैंक ने कितने पैसे काटे हैं, 200 रुपीज़ बैंक ने डिडक्शन किया एज कलेक्शन चार्जेस, तो इसका मतलब 29,800 रुपीज़ बैंक ने अशोक के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, कौन सी डेट को, मई 4th को। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, कुछ ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने 4th ऑप्शन की तरफ चलेंगे, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, उसको समझेंगे भी और इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन करते हैं, मैं भी इसको रब कर देता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अब हम अपनी 4th ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्रॉई ने अगर 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया है, तो ड्रॉई तो 3 महीने से पहले पैसा देगा नहीं,
और अगर ड्रॉअर को जिसने बिल राइट किया है, जिसने क्रेडिट में सेल किया है, उसको अगर पैसे की पहले ज़रूरत पड़ जाती है तो ऐसे केस में वो क्या करे? ड्रॉअर तो मना कर देगा कि जी मैंने तो 3 महीने पे साइन करके आपको दिया हुआ है, जब मैच्योरिटी डेट आ जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं पैसा दे दूंगा। तो ऐसे में ड्रॉअर क्या करता है, बिल को ले जाता है, वो अपने बैंक के पास ले जाता है, बैंक उसको इमीडिएट कैश दे देता है। इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो इसमें बैंक अगेन फिर से थोड़े से डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है, नॉमिनल चार्जेस लेता है, और आपको इमीडिएट जो आपकी कैश की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है। देखिए अगेन बैंक कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है, आपको इमीडिएट पैसे दे दिए। पहले वाले केस में क्या था, बैंक ने अपनी कस्टडी में उस बिल को रखा था और मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो ड्रॉई के पास गया था, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था बैंक ने, और वहाँ से कैश लेके आया और उस कैश को आपके अकाउंट में जमा कर दिए। इस केस में क्या कर रहा है बैंक, आपको इमीडिएट कैश हाथ में दे देता है। अभी जबकि 2 महीने या 3 महीने बाकी हैं, जिस भी दिन आप जाएंगे उसके बाद का पीरियड देखेगा कितने महीने बाकी हैं, उसके ऊपर वो नॉमिनल डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है तो, और आपको इमीडिएट कैश दे देता है। फिर आपको कोई बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बैंक कब गया पैसे लेने ड्रॉई के पास, ये बैंक की हेडेक है। तो हम इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन करते हैं और जो भी रिलेटेड इसमें आपको बात समझाने की होगी मैं उसको ड्यूरिंग द इलस्ट्रेशन ही आपको समझा दूंगा। तो इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है, मैं इसको धीरे धीरे पढ़ूंगा अगेन और फिर इसको यहाँ पे आपके पास इसका स्क्रीनशॉट आपको लगा देता हूँ। प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस फॉर ₹25,000 ऑन 1st July 2020 एट 3 मंथ्स। दो पार्टीज हैं स्टूडेंट्स, एक है सेलर प्रकाश और दूसरा है मोहन, हमें उन दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है। प्रकाश ने बिल एक्सेप्ट किया है 3 महीने का ₹25,000 पे मोहन के साथ। तो हम सबसे पहले ये एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले एंट्री बनेगी सेलर है प्रकाश और परचेजर है मोहन। पहली एंट्री हम यहाँ पे सेल परचेज की नहीं बनाएंगे। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल एक्सेप्ट होके आ गया है प्रकाश के पास, मोहन ने एक्सेप्ट कर दिया है, तो जहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया है हमें वहीं से शुरुआत करनी है। हमने पहली एंट्री जो हम सेल परचेज की दिखाते हैं ये नहीं होगी, पहली एंट्री ही एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी। क्या एंट्री करेगा प्रकाश अपने यहाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये सेकेंड एंट्री है जो अब हमें फर्स्ट करनी है क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही यहीं से ही हुआ है। और कब की डेट है ये, 2020 July 1st 25,000 से। सेम एंट्री इसी तरह मोहन भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लेगा, वो करेगा, उसको पैसा देना है तो वो बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा और प्रकाश को डेबिट कर देगा 2020 July 1st। प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 25,000 से। ठीक है, इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्या हुआ ऑन 4th August 2020 ट्रांजेक्शन्स हुई थी 1st July को, 4th August 2020 को प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम एट हिज बैंक। प्रकाश को पैसों की ज़रूरत पड़ी, उसने अपने बैंक को अप्रोच किया कि मेरे को ये पैसा चाहिए है ₹25,000, तो बैंक ने 12% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के उसको पैसा दे दिया। तो अब इसकी एंट्री प्रकाश की बुक्स में क्या होगी, इसको देखिए 4th August की डेट में, August 4 प्रकाश को पैसा मिलेगा, क्या करेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। कितना पैसा मिलेगा ये अभी हम लिखते हैं, इसके अलावा डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने जो लिए हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस इसको भी डेबिट करेगा क्योंकि प्रकाश के लिए ये खर्चा हो गया। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको ये क्रेडिट कर देगा 25,000 से। अब ये देखना है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस में प्रकाश को कितना अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा। 25,000 पे बैंक कह रहा है 12% के हिसाब से, 12% पर एनम, और कितने महीने पहले दे रहा है बैंक, 2 महीने पहले दे रहा है, तो 2 महीने का वो ब्याज लेगा।
इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आ जाएगा 500 रुपीज़। अब देखिए सिर्फ से 500 रुपये ही बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले रहा है, और आपको 2 महीने पहले आपको वो 24,500 आपको कैश दे देगा या आपके अकाउंट में जमा कर देगा। क्लियर है? ये प्रकाश की बुक में एंट्री हो गई है, इसके बारे में मोहन को तो नहीं पता। मोहन अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा क्या? उसको जब पता ही नहीं है तो उसके बुक में क्या एंट्री होगी? कुछ भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, आगे क्या हुआ? ऑन ड्यू डेट मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। ड्यू डेट अब इसकी देखिए क्या होगी, 3 महीने लगाइए, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसमें 3 दिन का ग्रेस दीजिए, 1 जुलाई से लेकर अक्टूबर फोर्थ। क्या करेगा मोहन? बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा, और कैश उसने दिया है तो कैश को वो क्रेडिट कर देगा कैश अकाउंट। उसको 25,000 रुपये ही देने हैं। अगर वो बैंक को दे रहा है तब भी 25,000, अगर प्रकाश लेने आता तब भी 25,000। अब देखिए ये एंट्री क्या यहाँ पे होगी? यहाँ पे एंट्री होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही पैसे ले चुका है। मोहन ने जो ये पैसे दिए हैं अक्टूबर 4 को, ये बैंक से को दिए हैं, प्रकाश को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रकाश ने तो 4 अगस्त को ही बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, तो ये एंट्री प्रकाश के अकाउंट में तो होनी नहीं है। इनफैक्ट उसको तो पता भी नहीं होगा कब बैंक गया मोहन से कैश लेके आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा खास है नहीं, हार्डली आपको 5 मिनट लगने हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट्स ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जो ड्रॉई है वो मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दे पाता, किसी भी वजह, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो बिल हमारा डिसऑनर हो जाता है मैच्योरिटी डेट पे। तो उस केस में हमें क्या करना है, इसको भी हमने समझना है। ऐसे केस में हम बिल को रिन्यू भी करते हैं, बिल रिन्यूअल होगा उसको हम समझेंगे। कुछ केसेस में ड्रॉई बहुत मेहरबान होता है, वो बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले ही 2 महीने पहले ही दे देता है, तो ऐसे को बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ ए बिल। इसको भी हम समझेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आप इसकी अच्छे से और प्रैक्टिस कर लो, एक दफ़े अगर आपको आ गया तो आप कभी ज़िंदगी भर इसको भूल नहीं पाओगे। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमने जैसे बोला अभी डिसऑनर ऑफ द बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरिंग ऑफ बिल, इन तीनों कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।